नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रानी देवी जी हैं, जो 8-9 साल की जब ये थी, बचपन से मतलब ये डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। रानी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। बचपन से आ रही हैं आप डेरा सच्चा सौदा संस्था में, कैसा माहौल लगता है मैम आपका? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है जी। जैसे पिताजी के बारे में कहा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम बचपन से जैसे आ रहे हैं, हमारे को यहाँ सिर्फ यही सिखाया जाता है कि सब बड़े छोटों का सत्कार करना है, सबके साथ जैसे बड़े हैं तो उनको माता जी के अनुसार, छोटे हैं तो अपने भाई बहन के अनुसार, और ज़्यादा छोटे हैं तो उनको उसके अनुसार। ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आज यहाँ पे बताया जा रहा है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर, उसके बारे में क्या कहो? ये सब आरोप झूठे हैं। वैसे तो ये मीडिया ने ऐसा बना रखा है, जो ये सरकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हमारे पिताजी पहले भी जो थी सच की राह पे हमें दिखा रहे थे, तो सच है तो सच ही रहेगा। अब आएगा यहीं पर सामने सच है। मतलब क्या मतलब किया? ऐसा कुछ ऐसी बातें नहीं है। जैसे पिताजी के बारे में ये बताया कि यहाँ पे ये उन ये वगैरह कुछ भी हत्याकांड, जब यहाँ पे एक सांप वगैरह होता है उसको नहीं मार सकते हैं, तो इतने बड़े हत्याकांड हमारे पिताजी कैसे कर सकते हैं? मैम, सन डॉक्टर गुरमीत राम लिम सिंह जी का फिर सच क्या है? मतलब उन्होंने क्या किया है लोगों के लिए? उनके लिए पिताजी ने 135 भलाई कार्य चला रखे हैं, जिनके द्वारा आप भी देख सकते हैं, जैसे कि सबके आंखें दान करना, खून दान करना, कहीं भी कोई मुसीबत पड़े, हमारे गिननेस की बहनें बना रखी हैं, जैसे भाई हैं वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। 3-4 सालों से वो नहीं है समाज में। हाँ जी, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज? प्रभाव मैडम जैसा था ऐसे ही है जी। जरूरत है उनकी? हाँ जी जरूरत है। क्यों जरूरत है? जरूरत ये है, जैसे पिताजी हमारे साथ यहाँ पे हम ये थे, हमारा संपर्क, और वैसे तो सब कुछ चल रहा है, फिर भी हमें जरूरत है अपने पिताजी की। क्या अपील करोगे, मांग करोगे सरकार से? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे गुरु जी को जल्द से जल्द बाहर निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पब्लिक से, पब्लिक की मांग है, रिहाई की मांग है सन डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के लिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।